हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पनीर चिली बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर चिली बनाना बताऊंगा, तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पनीर चिली बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिए 6 से 7 और नॉर्मल वाले 6 से 7। सबसे पहले हम इनको तोड़कर इनके सीड्स रिमूव कर देंगे। सीड्स सारे रिमूव करने के बाद हम इसे बॉईल कर लेंगे। करीब 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। आप चाहे तो हॉट वाटर के अंदर डालकर 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं। इससे मिर्ची आपकी सारी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन याद रहे इनके सीड्स सारे हमें रिमूव करना है। सीड्स से ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। चलिए, मैंने यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं बॉईल कर लिया। ठंडा करने के बाद हम मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे और करीब 8 से 10 लहसुन की कली डालकर दोनों को अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, बस इस तरह अच्छे से आपने पेस्ट बनाना है। देखिए, अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर एक चाइनीज वॉक के अंदर करीब 5 से 6 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का गर्म होता है तो हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के चॉप गार्लिक ऐड कर लेंगे और 1 छोटा चम्मच भर के जिंजर चॉप ऐड कर लेंगे। पहले आपने जिंजर और गार्लिक को थोड़ा अच्छे से पकाना है, करीब 70 से 80% तक। जब आपका जिंजर गार्लिक पक जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर चिली पेस्ट ऐड करना है। देखिए, यहाँ पर गार्लिक हमारा पक चुका है करीब 80% तक। अब हम इसके अंदर चिली पेस्ट ऐड कर लेते हैं। चिली पेस्ट को आपको तब तक पकाना है जब तक आपका इसमें ऑयल अलग ना हो जाए। करीब 5 मिनट तक हम पकाएंगे और पानी की मात्रा बहुत ही कम रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि पानी डालने से इसके अंदर छींटे उछलेंगे और आपका सारा एरिया गंदा हो सकता है। बस मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे कंटिन्यू हिलाते हुए पकाएंगे। चिली पेस्ट हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी सारा अलग हो चुका है इसका। अब मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच एरोमेट पाउडर, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे। टोमेटो केचप इसकी स्पाइसनेस को कम करता है। साथ में थोड़ा सा वेनेगर डाल देंगे, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। उसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर बढ़िया सा पकाना है और गैस की फ्लेम को बंद कर एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं करीब 10-15 दिन तक, आराम से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, फ्रिज के अंदर रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम को डायमंड कट में कट कर लिया 1/4, आधे ऑनियन को मैंने डायमंड कट में कट कर लिया, 1 ग्रीन चिली, 1 इंच जिंजर के टुकड़े को हमने प्लेन में कट कर लिया। साथ में यहाँ पर हम सबसे पहले पनीर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पनीर को हम डायमंड कट में कट कर लेंगे। ये देखिए, बस इस तरह। देखिए, मैंने यहाँ पर सारा पनीर कट कर लिया। अब हम पनीर का मैरिनेशन कर लेते हैं। पनीर का मैरिनेशन करने के लिए एक बाउल में डाल देते हैं, हल्का सा इसके ऊपर एरोमेट पाउडर डाल देंगे सीजनिंग के लिए, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक की मात्रा बहुत ही कम रखनी है आपको। हल्का सा वाइट पेपर डाल देंगे और थोड़ा सा रेड चिली सॉस और हल्का सा ग्रीन चिली सॉस ऐड कर लेंगे। साथ में अगर आप हल्का सा स्पाइसनेस या चटपटा चाहते हैं तो इसके अंदर 1 छोटा चम्मच भर के चिली पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। इससे ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और एक अंदर तक फ्लेवर जाएगा। जब आप पनीर चिली खाओगे तो पनीर चिली के पनीर के अंदर तक आपका इसमें फ्लेवर रहेगा। हल्का सा इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे या 2 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के सीजनिंग कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, तब भी आपका पनीर एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। बस बढ़िया सा हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी कोटिंग हमारी पनीर के ऊपर हो चुकी है। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम गैस रखेंगे, लेकिन ऑयल इससे पहले हम गर्म रखेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की कोटिंग इसके ऊपर से बिल्कुल भी हटे नहीं। करीब 2 से 3 मिनट तक हम ऑयल के अंदर इसे डीप फ्राई करेंगे, उसके बाद पनीर को पकौड़े को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इस तरह अगर आप पनीर चिली बनाओगे तो आपका पनीर चिली काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा और दोबारा बनाने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। देखिए, यहाँ पर पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर। काफ़ी अच्छा और एकदम क्रिस्पी फ्राई हुआ है पनीर हमारा। ये देखिए, और कोटिंग भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छी है। तो चलिए, इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं और अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब हम बना लेते हैं पनीर चिली। तो इसके लिए मैंने चाइनीज वॉक के अंदर 1 टेबल स्पून जितना हम ऑयल ऐड कर लेंगे। बस पहले आपने ऑयल को फुल फ्लेम के ऊपर हल्का सा गर्म करना है। जैसे ऑयल आपका गर्म होता है तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के आप गार्लिक डाल दीजिएगा। गार्लिक कम ज़्यादा रख सकते हो आप, और गार्लिक को पहले आपने अच्छे से सौते करना है। उसके बाद ग्रीन चिली और जिंजर ऐड कर लेंगे। बस ग्रीन चिली और जिंजर को भी हल्का सा हम सौते करेंगे। देखिए, यहाँ पर ग्रीन चिली और जिंजर को हमने सौते कर लिया। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा चॉप ऑनियन डालना है, ऑप्शनली है। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। चॉप ऑनियन को आपने 50 से 60% तक पकाना है
और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चलिए अब आपने इसमें ऐड करना है वेजिटेबल्स, जो ऑनियन और बेल पेपर हमने कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर लेंगे और हल्का सा पहले इनको सौते कर लेंगे। रेड और येलो कैप्सिकम अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं स्किप कर सकते हैं। चिली पेस्ट आपने एक टेबल स्पून जितना डालना है, लेकिन याद रहे अगर आप स्पाइसी और चटपटा खाते हैं तो, नहीं तो कम कर सकते हैं, एक टी स्पून जितना डाल सकते हैं, ये काफ़ी स्पाइसी आता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी इसके अंदर, बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि हम ड्राई बना रहे हैं। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 छोटा चम्मच जितना रेड चिली सॉस, गैस की फ्लेम को बंद करके डालेंगे। साथ में यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना। याद रहे सॉसेज बहुत ही कम डालना है और इसमें नमक की मात्रा आती है तो आपने नमक बहुत ही कम ऐड करना है। थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच एरोमेट पाउडर, हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि सॉसेज के अंदर भी नमक आता है तो खट्टा हो सकता है, और हल्का सा वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे, वाइट पेपर पाउडर बहुत ही स्पाइसी आता है, और ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर डालकर एक बार फुल फ्लेम के ऊपर इन सबको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार वाली ड्राई वाली ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए आराम से हिलाते हुए हम सबको मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक हिलाएंगे फुल फ्लेम के ऊपर, इससे हमारे सारा मसाला एकदम ड्राई भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा तैयार भी हो जाएगा। देखिए मसाला हमारा सारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आपने इसमें पनीर ऐड करना है, हल्का सा हमने जो पानी ऐड किया था ना उसमें, इसमें उसका फ़ायदा अब होगा कि जो चिली पनीर की ये जो ग्रेवी एंड ड्राई वाली, ये पनीर के आजू बाजू पोटिंग हो जाएगी, काफ़ी अच्छा लगेगा, इस तरह पोटिंग होना बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए चिली पनीर हमारा बन के तैयार हो चुका है। हल्का सा आपने इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड करना है और इसे सर्व कर दीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर बन के तैयार है। तो गाइस ये थी आज की हमारी चिली पनीर की रेसिपी ड्राई। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपको यहाँ मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।